शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सोलन में सलूनी माता के मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंचने शुरू हो गए। अष्टमी के दिन जहां भक्तों ने मां मंदिर में शीश नवाया, वहीं सलूनी मंदिर में आकर श्रद्धालुओं ने कंजक पूजन भी किया। इस दौरान मंदिर में माता के दर्शनों के लिए सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु सुबह से ही भारी संख्या में मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद वे लोग बेहतर तरीके से मंदिर में आकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मंदिर में आकर कंजक पूजन कर उनके द्वारा माता की आराधना की गई और कामना की गई कि सभी लोगों पर माता का आशीर्वाद बना रहे। 2 साल बाद ये नवरात्रे पूरे धूमधाम से शहर में मनाए जा रहे हैं और जैसे सबको पता है कोविड था, नवरात्रों से ही हमारे सीज़न शुरू हो जाता है। अब आगे दशहरा आ जाएगा, दिवाली आ जाएगा, पर्वों का पूरा शुरू हो जाता है। अगर आप पीछे देखें तो रौनक ही माता रानी की असीम कृपा से चल रही है और समस्त सोलनवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम स्नेहा है और शूलनी माता रानी आपकी कृपा है। शूलनी माता का सोलनवासियों पे बहुत अच्छा मतलब आशीर्वाद है। पूरे सोलनवासियों पे माँ शूलनी का आशीर्वाद रहता है। ये हमारी कुल माता है। यहाँ पे जो है कि नवरात्र में ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, माँ के पूरे दरबार सजा रहता है, लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। इन्हीं के नाम से सोलन ज़्यादा फेमस है माँ शूलनी के नाम से। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवरात्रा बहुत अच्छा रहा हमारे जीवन पर भी, ये है कि बहुत सुखी शांति है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। भगवान करे सोलनवासियों पे माँ शूलनी का आशीर्वाद।